हाय गाइस, गुड इवनिंग। अब मैंने प्रॉन का एक रेसिपी बनाऊंगी, प्रॉन का ग्रेवी रेसिपी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने लिया आलू कटा हुआ, मटर जो है वो लिया, दही लिया, हल्दी लिया, जीरा चुप देने के लिए धनिया लिया, गरम मसाला, घी, चीनी और नमक, और टूटा हुआ थोड़ा सा अदरक और लहसुन स्लाइस किया, प्याज भेजिए पेस्ट करना। चलो शुरू करता है। इसलिए मैंने तो ये कौन सा है ना, ये मैंने मिसेस से लिया, हाफ के जी लिया मैंने। तो मैंने इसको अभी मीठा देते, थोड़ा सा मास्टर ऑयल से मैंने किया। ये जो है ना फिश मास्टर ऑयल में अच्छा होता है, थोड़ा किया था तो मैंने थोड़ा सा अच्छा निकाला, तो थोड़ा सा कर दिया। अभी और थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी मैं, क्योंकि बाकी जो है मैं उसको हल्का सा भूनना पड़ेगा, हल्का सा मैंने भून लिया। ज़्यादा नहीं भूजना है मुझे, हल्का हल्का सा क्योंकि मिर्च आएगा। विशेष जो फिश होता है ना वो अच्छा होता है, टेस्ट होता है, तो मैंने मुझे मंगाया। सिम में मैंने कर दिया क्योंकि ज़्यादा मसलिन मसलेगा ना, तो ये हो जाएगा, क्योंकि मुझे हल्का सा भूनना है इसको। बहुत सिंपल सा है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, देखते हैं। और ये भी हो गया, प्रॉन जो है ना ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए, फ्रेश करेगा। अब मैं इसमें फिर से मस्टर्ड ऑयल डालूंगी और उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा घी डालूंगी। इसको गर्म होने का इंतजार, हरा मिर्ची और जीरा छुटने के लिए डाल दूंगी। जीरा और हरा मिर्ची मैंने डाल दिया। और मैं इसमें पहले आलू भून लूंगी, दो तेज पत्ता भी ले लिया, उसमें आलू थोड़ा सा रेडिश होगा, आलू ज़्यादा नहीं। अब मैं ये देखो एकदम रेडिश, हल्का हल्का रेडिश हो गया ना, मैंने अब इसको ऊपर में मैंने डालूंगी। दही डाल दूंगी और जो टेंट जो कॉन था ना वो मैंने मैरिनेट करके रखा था, मिर्ची, रेड मिर्ची, थोड़ा सा नमक और हल्दी।
मैरिनेट कर लेना, थोड़ा सा पानी डालूंगी नीचे ड्राई हो जाएगा। दही डाल दिया मैंने, दही डाल दिया, अभी मैं डालूंगी हल्दी। नमक जैसे आप लोग खाते हैं तो थोड़ा कम भी खा लेंगे, आप लोग साथ में दूसरा देंगे, ठीक है? जैसे साथ दूसरा नमक दे फ्रेंड्स। मैंने आलू दही में नमक के साथ थोड़ा सा बंदी के भूज लिया, अभी मैं क्या करूँगी, मुझे अनियन अलग से भूजा मैंने, क्योंकि आलू थोड़ा सख्त हो जाएगा अच्छे से नहीं भूजने से, थोड़ा पानी देते भी नहीं भूज दिया, ये अलग से मैंने मैंने इसमें अनियन दिया, और अनियन और कुटा हुआ अदरक लहसुन भूज लिया। आप लोग अगर चाहते हो तो आलू का साथ ही भूज सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा अलग से अलग ही भूजा, क्योंकि ये आलू ज़्यादा सख्त में से अच्छे नहीं लगता, इसलिए मैंने अलग से इसको भूजा। तो फ्रेंड्स मैंने अभी जो प्याज और कुटा हुआ अदरक और लहसुन भूज लिया, ज़्यादा आधा भूजा आधा इसको साथ में भूज लिया। थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा दिया, अभी मैं पेज मटर डाल दूंगी। भूजना पड़ेगा, मैं तो आप लोग जानते हो मैं थोड़ा सा शुगर यूज करती हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल ज़्यादा नहीं। मैं आप लोग टोमेटो जो है टमाटो दे सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया, मैं दही दिया ना, तो मैंने टमाटो अगर किया चाहे तो आप लोग दे सकते हो। तो
अभी मैं जो आलू है आप देंगे अच्छे से बॉईल कर देंगे इसमें। चलो फ्रेंड मुझे लगता है आलू बॉईल हो गया। गैस को मैं छोटा कर दिया, पकड़ने बॉईल हो गया। अभी मैं क्या करूँगी, ये जो प्रॉन्स है सब डाल देंगे उसमें। हल्दी सा है वो बना के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा मसाला और स्पाइसेस अटन नहीं खाना चाहिए, उससे फिर से बनाना है। अब आप लोग चाहते इसमें धनिया पत्ता जो है करियंडा वो देख सकते हो, दे सकते हो। मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इतना, इसलिए अभी मैंने थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि प्रॉन्स दिया पानी का पानी। और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा और घी, घी डाल दिया। दो तीन मिनट और ये बॉईल होगा। फिर राइस कुशर, आप राइस कुशर और पाउडर कुशर रोटी कुशर खा के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। और जो विशेष का प्रॉन्स है ना बहुत अच्छा है, तो एकदम ताज़ा फल मिलते हैं ना, इसलिए मैं मंगाती हूँ विशेष। आप लोग एक बार देखना ट्राई करके। और फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना, लाइक भी करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना जो रेसिपी कैसे बना। तो फ्रेंड्स ये है सिंपल सा प्रॉन्स करी, और आप लोग जरूर जरूर इसको ट्राई करके देखना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। टाटा बाय बाय।